समय को भी तलाश है। मतलब जब तक मेरी थर्ड स्टैंडर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड चल रहा था तब तक मेरी लाइफ भी मतलब हर किसी बच्चे की तरह चल रही थी। जब यू टर्न टाइप आ गया मेरी लाइफ में, मुझे एक इलेक्ट्रिक करंट लगा था। तब हम तीन फ्रेंड्स छत पे अपना पतंग उड़ा रहे थे तो एक पतंग आकर बिजली की तारों में अटक गई थी। और हमारे अब 33,000 वाली जो लाइंस होती हैं वो छत के बहुत पास होती हैं, तो उस टाइम पे इतनी समझ थी नहीं। छत पे ही लोहे की एक रॉड पड़ी हुई थी तो मैंने उस लोहे की रॉड से पतंग निकालने की कोशिश करी थी, तो जिसमें एक्सीडेंट हो गया था। तो लकीली कारपेंटर उस टाइम पे था हमारे घर पे काम कर रहा था, तो उसने आकर अपना वुडन रॉड से हमें हटाया। दो तीन महीने थे वो तो बस हॉस्पिटल के चक्कर काटते हुए चले गए। मुझे भी और घर वालों को भी पता नहीं होगा मैं कितने मिनट के लिए होश में आया हूँ। सहारनपुर एक बहुत छोटा सा शहर है, उसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ भी इतनी कोई अच्छी है नहीं। तो पहले हम सहारनपुर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में गए, आगे मुझे लुधियाना रेफ़र कर दिया था। सो लुधियाना में मतलब मेरा फाइनल ट्रीटमेंट हुआ था। फिर उसके बाद घर आने के बाद थर्ड स्टैंडर्ड के बेसिकली मैंने फ़ाइनल एग्ज़ाम्स नहीं दिए थे, बट वहाँ की प्रिंसिपल ने बहुत सपोर्ट करा, जो मेरे क्लासमेट्स थे उन्होंने बहुत सपोर्ट करा। सब अपना घर पे आए थे, एक बारी मैंने स्कूल विज़िट करा था तो सारे अपना गेट वेल सून और कम बैक सून के कार्ड्स वगैरह लेकर आए थे। तो बस स्टार्टिंग से मतलब मेरे हिसाब से जो मेजर डिफरेंस रहा वो ये रहा कि चाहे एजुकेशन हो चाहे स्पोर्ट्स हो, मैंने कोई भी चीज़ कोई स्पेशल स्कूल में जाकर या कुछ भी हटकर नहीं करा। मैं जैसे अपने भाई के साथ भी, छोटा भाई है मेरा एक, तो मैं उसके साथ भी जैसे क्रिकेट खेलता था और बाकी कॉलोनी के बच्चों के साथ जैसे क्रिकेट खेलता था, तो मतलब ऐसा फ़र्क नहीं लगता था कि मतलब उनमें और उनमें कोई फ़र्क है। डेफिनेटली खेलने का तरीका अलग था, उनका अलग था मेरा अलग था, बट दैट गेव अस द सेम वेवलेंथ। और वही मतलब मैंने आगे कंटिन्यू करा कि मतलब मेरे में कोई कमी नहीं है, उनमें कुछ ज़्यादा नहीं है, हम सब एक ही लेवल पे हैं। उनके काम करने के तरीके कुछ अलग हैं, मेरे काम करने के तरीके कुछ अलग हैं, बट काम सेम हो रहा है। जैसे आप लोग इस टाइम पे बैठे हो तो आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि हम बिना हाथों के कैसे ऑपरेट करेंगे। मेरे लिए ऐसा है कि मतलब इतना टाइम हो गया, मुझे ऑलमोस्ट 18-19 ईयर्स हो गए हैं ऐसे काम करते हुए, तो मैं अब इमेजिन नहीं कर सकता कि अगर मेरे हाथ होते तो मैं कैसे काम करता, क्योंकि मेरी बॉडी को मुझे इस तरीके से करने की आदत पड़ गई है। कई लोगों को मतलब ये प्रॉब्लम भी होती है, इसे हम प्रॉब्लम कहते हैं फैंटम लिम्स। तो जिन लोगों का साथ कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, स्पेशली एट अ लेटर स्टेज, मेरा तो जैसे बहुत चाइल्डहुड स्टेज में ही हो गया था, तो किसी के साथ लेटर स्टेज में होता है तो उन्हें फैंटम लिम्स की प्रॉब्लम रहती है कि मतलब उनकी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ उनके लिम्स नहीं है, बट उनका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उन्हें लगता है कि हाँ उनके हाथ हैं, तो उसे फैंटम लिम्स वाली प्रॉब्लम रहती है। लकीली मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं रहा और मेरी बॉडी माइंड ने दोनों एक्सेप्ट कर लिया था। फिर धीरे धीरे खेलना पढ़ना सब धीरे धीरे स्टार्ट होता रहा, चाहे वो साइकिलिंग हो, क्रिकेट खेलना हो, स्कूल वापस ज्वाइन करना हो। इंसान की असली ताकत यहाँ होती है, अगर उसने यहाँ से ठान लिया कि उसे करना है तो वो जरूर करके दिखाता है। स्कूल वापस ज्वाइन तो कर लिया, मतलब बाकी काम कैसे होंगे। उस टाइम पे तो फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में तो रिटर्न वर्क वगैरह भी बहुत ज़्यादा रहता था, तो स्टार्टिंग के दो साल मेरी मॉम मुझे स्कूल में अकम्पनी करती थी। मेरी मॉम ने सारा मेरा रिटर्न वर्क कराया शुरू के दो साल। देन जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था वो था सिक्स स्टैंडर्ड से आई हैड टू चेंज माई स्कूल। तो वो सिक्स स्टैंडर्ड से अब एक नया स्कूल था और वो काफ़ी बड़ा स्कूल था वहाँ पे, तो वो मॉम को अलाउ नहीं करते थे कि मतलब वो आकर रिटर्न वर्क करें या स्टूडेंट्स के साथ में बैठें। तो सिक्स स्टैंडर्ड से बेसिकली मैंने खुद अपना रिटर्न वर्क करना शुरू करा। पहले मतलब मैंने पैर से लिखना शुरू करा। सो धीरे धीरे उसी में जैसे कहते हैं ना हिट एंड ट्रायल मेथड, सो पैरों से जब बात नहीं बनी तो मुंह से ट्राई करा। फिर समवन सेड कि व्हाई डोंट यू ट्राई इट विद बोथ द हैंड्स लाइक दिस। तो उसके बाद से मतलब सेवन्थ ऑनवर्ड्स आई हैव रिटन ऑल माय एग्जाम्स होल्डिंग माय पेन लाइक दिस। ऐसे छोटी छोटी ही चीज़ें हैं लाइक इवन ड्रेसिंग अप। सो आफ्टर 12th स्टैंडर्ड आई टुक अ ईयर गैप बेसिकली, सो दैट कि अगर मैं बाहर निकलूँ फर्दर स्टडीज़ के लिए आई हैव टू बी इंडिपेंडेंट, आई कैन नॉट कैरी माई मॉम डैड एवरीवेयर एंड दे कैन नॉट कम ऑल्सो। और उसी टाइम पे मेरा CPT और IPCC भी था, सेम टाइम पे वो क्लियर हो गया, तो दोनों चीज़ें साथ साथ में चलती रही। देन आई अप्लाइड फॉर कॉलेज।
आईपीसीसी क्लियर करने के बाद देन आई जॉइंड एसआरसीसी. सो बेसिकली शायद एक हफ्ते का ही गैप था, तो मैं अपने एग्ज़ाम देकर आया था और उसी टाइम पे आईपीसीसी का भी रिजल्ट आया और कॉलेज के भी कट ऑफ आ गई. तो एसआरसीसी में भी हो गया था और आईपीसीसी भी मतलब सेम टाइम पे क्लियर हो गया था. तो हमने इसमें क्षितिज से एक सिंपल सा सवाल पूछा कि भाई इतना कुछ करने के बाद उसने फाउंडेशन कर लिया, ठीक है, उसने अपना आईपीसीसी क्लियर कर लिया और एक एसआरसीसी का स्टूडेंट, तो उसने सीए छोड़ क्यों दी? मतलब उसका रीज़न क्या था कि उसने डिसाइड किया कि इंटर क्लियर करने के बाद अब मैं सीए नहीं करना चाहता, मैं आईआईएम करना चाहता हूँ? ये क्वेश्चन का अगर मैं आंसर दूंगा तो सीए वालों के लिए दिक्कत हो जाएगी. मेरा जैसे मतलब सेकंड ग्रुप का जब रिज़ल्ट पहली बार मतलब फेल वाला आया था तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि ये क्या हो गया. मतलब एक तरीके से मतलब टेंथ में अच्छे खासे नंबर रहे, ट्वेल्थ में अच्छे खासे रहे, सीपीटी हो गया, आईपीसीसी ग्रुप वन हो गया, एसआरसीसी हो गया और फिर एकदम से कोई फेलियर आ जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि मतलब क्या हो गया, ये बहुत बड़ा थप्पड़ लगता है एकदम. मैं मतलब ट्वेल्थ में अपना सहारनपुर से डिस्ट्रिक्ट टॉपर था अकाउंटेंसी में, 98 थे. इवन आईपीसीसी में सेम चीज़ कंटिन्यू रही, दोनों में मतलब अच्छे नंबर रहे, अकाउंटेंसी ग्रुप वन में भी और ग्रुप टू में भी. हर कोई कॉमर्स जब ट्वेल्थ से पास करता है, कोई भी ट्वेल्थ का बच्चा हो, जैसे ही उसकी ट्वेल्थ खत्म होती है हर माँ बाप का एक ही होता है या सीए कर ले, सीए और कोई कुछ नहीं कहता. अगर कोई दिल्ली वगैरह में हो उसे लोग समझा देते हैं या कॉलेज कर ले, बीबीए कर ले, बहुत सारे ऑप्शंस हैं. बट कोई अगर टीयर टू या टीयर थ्री सिटी से आ रहा है तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, सीए कर ले. तो मैंने भी सीए इसी चक्कर में स्टार्ट कर दिया था. फिर कॉलेज के जब एक दो साल निकल गए तो मतलब दूसरा ऑप्शन समझ में आया कि मतलब एमबीए इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन, और ऊपर से इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जिनका इतना नाम बना हुआ है. तो उसके बारे में पता चलना शुरू हुआ, सीनियर्स ने ऑलरेडी क्लियर करा तो उनका पाथवे पता चला कि भैया वो लोग अगर एमबीए कर रहे हैं तो वो भी एक अच्छा करियर है. मेरे पास दोनों ऑप्शन थे, या तो मैं इंटर्न आर्टिकलशिप के लिए बैठता या मैं अपना एमबीए कंटिन्यू करता. तो एक हफ्ते का एक तरीके से मतलब वो थिंकिंग पीरियड रखा था मैंने टू नोट डाउन द प्रोज एंड कॉन्स, या सीए फाइनल दिया जाए आर्टिकलशिप करने के बाद या फिर एमबीए करा जाए. तो मुझे एमबीए ज़्यादा ल्यूक्रेटिव ऑप्शन लगा. क्यों लगा? कि भैया ढाई साल की इंटर्नशिप आर्टिकलशिप सीए में करूँगा जिसमें पे भी कम होगी और काम बहुत ज़्यादा होगा. हाँ, बहुत ज़्यादा होगा. वो सब मैंने सुन रखा था अपने सीनियर से, सब बताते रहते थे. और उसके बाद सीए फाइनल क्लियर करना, जो कि मतलब एक तरीके से मतलब इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है जिसमें पास होने की परसेंटेज बहुत कम है. चलो एक बारी को मान के चलो पास भी हो गए, देन ऑल्सो इट वॉज़ लाइक अ थ्री एंड अ हाफ ईयर्स का टाइम पीरियड जो तुम्हें पढ़ने में लगाना है. वेर एज़ दी अदर ऑप्शन कि भैया एमबीए में देर इज़ अ श्योर शॉट कि यू विल ग्रेजुएट इन टू ईयर्स अनटिल और अनलेस सम बैकलॉग इज़ देयर. तो दो साल में यू आर गारंटेड अ जॉब, अच्छी जॉब, और दो साल में क्लियर भी हो जाएगा. एक तरफ 3.5 साल थे, एक तरफ 2 साल थे. सो दैट मेड माई चॉइस ईजियर. हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि सी ए, मतलब मुझे अभी भी कई बार आता है दिमाग में कि शायद एम बी ए के बाद सी ए कर लूँ, बिकॉज वो अकाउंटिंग से प्यार रहता है ना. बट फिर बाकी लोग बताते हैं भैया ठीक है. मोटिवेशन ना दो तरीके की होती है, एक तो होती है पॉजिटिव मोटिवेशन, एक होती है नेगेटिव मोटिवेशन. हर किसी के लिए अलग अलग वर्क करती है. मेरे लिए नेगेटिव वर्क करती है. जैसे सीए का सेकंड ग्रुप जब फेल हुआ था तो एक थप्पड़ टाइप लगा था. तो नेगेटिव मोटिवेशन बहुत ज़्यादा वर्क करती है कि भैया अगर फेल हो गया तो तेरा क्या होगा. जो माँ बाप ने तुम्हारे अंदर इतना इन्वेस्ट कर रखा है, उन्हें कुछ एक्सपेक्टेशन है तुम्हारे से, तुम्हें लाइफ में कुछ करना है तो ये करना है. जैसे सीए का जब मैंने ग्रुप वन का एग्ज़ाम दिया था तो मुझे याद है कि मतलब मैं कैसे पढ़ता था. बेसिकली मई में एग्ज़ाम था और अप्रैल मई में हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. तो रादर देन गोइंग एंड स्लीपिंग इन एन एसी रूम, मैं उस रूम में जाकर पढ़ता था जहाँ पे कूलर भी नहीं था. भैया नींद नहीं आनी चाहिए, कंफर्ट जोन से बाहर. भैया पंखे के नीचे पढ़ो, पसीने आते रहेंगे, नींद खुलती रहेगी. वहाँ पे क्या था, सिर्फ एक बेड, एक टेबल, एक चेयर, बस पूरे रूम में और कुछ नहीं. उठो, पढ़ो, सो, रिपीट. पूरे 2 महीने के लिए मतलब शेड्यूल ऐसे ही था. इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, डिसेबिलिटी में भी मतलब काफ़ी काम आती है.
मतलब आई नो माई लिमिटेशंस, आई एक्सेप्ट देम. अब तुम मानोगे ही नहीं कि भैया तुम्हारे से नहीं होगा सीए और फिर भी उसके पीछे भागते रहोगे तो इट्स ऑफ नो यूज. घर वालों का भी टाइम बर्बाद, अपना भी टाइम बर्बाद. अपने फ्लॉज एक्सेप्ट करने चाहिए, खत्म. सम थिंग्स आर मेड फॉर यू, सम थिंग्स आरंट. दुनिया में हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता. उसमें भी एक कैच है कि ऐसा नहीं है कि भैया जो तुम्हें नहीं मिल रहा तो तुम उसे छोड़ के बैठ जाओ. यू हैव टू ट्राई फर्स्ट, यू हैव टू ट्राई फर्स्ट. अगर तुम्हें अपनी लिमिटेशंस भी जाननी है तो पहले ट्राई करना पड़ेगा. तुम पहले से ही सोच कर नहीं बैठ सकते ये नहीं होगा मेरे से, पहले ट्राई करो. ये सिर्फ क्षितिज की ओपिनियन थी. इट वॉज हिज डिसीजन टू डिसाइड कि भाई मैं सी ए आगे नहीं करना चाहता और मैं एम बी ए में जाना चाहता हूँ. क्यों? क्योंकि उसने अपनी स्वॉट एनालिसिस करी, उसने देखा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, उसने सब कुछ एनालाइज किया. उसके बाद उसने प्रोज एंड कॉन्स निकाले कि भाई मैं सी ए में रहना चाहता हूँ या मैं एम बी ए में मूव करना चाहता हूँ. इसी तरीके से हम हर स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी स्वॉट एनालिसिस करें, अपना डिसाइड करें कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, उसके बाद डिसाइड करें कि मुझे करना क्या है. मेरे मॉम डैड ने कभी मुझे मतलब किसी चीज़ को करने से रोका नहीं. कई पेरेंट्स होते हैं, दे आर ओवर प्रोटेक्टिव ऑफ देयर चाइल्ड. दे अलाउड मी द फ्रीडम टू एक्सपेरिमेंट इट इन माय ओन वे. और ब्रदर इज़ लाइक 2 years यंगर टू मी, तो ऑलमोस्ट सेम एज ग्रुप के होने की वजह से एक्टिविटीज सेम हो जाती हैं. क्रिकेट हो चाहे वो स्पोर्ट्स हो, मतलब सब कुछ सेम चलता रहता है. तो जैसे जैसे वो कर रहा था मुझे भी करना था. हैरी विंस्टन ने बहुत खूब कहा है, People will stare at you. Make it worth their while. लोग आपको घूरेंगे, स्टेयर करेंगे, एम्बेरस करेंगे. यह आपके ऊपर है, आप उसको चैलेंज की तरह लें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए एंड गिव देम अ रीजन टू स्टेयर एट यू. अपने आप को ग्राउंडेड रखने के लिए दोनों ही चीज़ें मतलब मैंने एक्सेप्ट करी हुई है. मैं देखो लोग अच्छा बोल रहे हैं, वेल एंड गुड, उसे एक्सेप्ट करो, बट डोंट लेट इट अफेक्ट हाउ यू आर डूइंग. ऐसा नहीं है कि भैया लोग तुम्हारे बारे में अच्छा बोल रहे हैं तो तुम सर पे चढ़ जाओ. लोग तुम्हारे बारे में बुरा बोल रहे हैं, लोगों का काम है, वो अच्छा भी बोलेंगे बुरा भी बोलेंगे. देखने का नज़रिया होता है. आपको अभी मेरे में एक सक्सेसफुल इंसान दिख रहा है. मेट्रो में जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ लोगों को एक लाचार इंसान दिख रहा होता है. हेलो फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको हमारी वीडियोस कैसे लग रही हैं, कितनी पसंद आ रही हैं और बेल आइकन को दबाइए ताकि फटाफट से आपको नोटिफिकेशन आए और आपको पता लगे कि हमारी वीडियोस आई हैं और खूब सारा व्यू कर पाए. थैंक यू.